गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड क्या होता है, बेस क्या है और साल्ट क्या होते हैं, तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके एसिड कैसे होते हैं, उनका क्या प्रॉपर्टी होती है ना, एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। स्टूडेंट्स, वी यूज़ ए लार्ज नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंस इन आवर डेली लाइफ सच ए लेमन, साल्ट, शुगर, टेमरिंड एंड कर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कि हम एडिबल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन, साल्ट, शुगर, टेमरिंड एंड कर्ड, है ना। हम लोग क्या क्या खाते हैं, लेमन हो गया, नींबू हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, इमली हो गया, है ना, और दही। तो आप क्या बता सकते हैं कि क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है, डू दे हैव द सेम टेस्ट, क्या इनका टेस्ट सेम होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, नो, यानी कि नहीं, इनका टेस्ट कैसा होता है, अलग अलग होता है, यानी दे हैव डिफरेंट टेस्ट, उनका जो टेस्ट होता है कैसा, अलग अलग होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है, उनका टेस्ट कैसा होता है इसको जानने की कोशिश करें। कुछ सब्सटेंस का नाम दिया हुआ है, उनके टेस्ट को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लेमन जूस, क्या है, लेमन जूस, तो इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, यानी कि खट्टा होता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑरेंज जूस, ये कैसा होता है, ये खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है, यानी कि सोर एंड स्वीट। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका कर्ड, ये कैसा होता है, दही कैसा होता है, खट्टा होता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेप्स, ये कैसा होता है, खट्टा और मीठा होता है। तो इस तरह से और भी कई सारे सब्सटेंसेस जिनको हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका शुगर, ये कैसा होता है स्टूडेंट, स्वीट होता है। कॉमन साल्ट, ये कैसा है, साल्टी होता है। एप्पल, ये कैसा होता है, यानी कि सेब, हल्का सा खट्टा और मीठा भी होता है। बेकिंग सोडा, ये कैसा होता है, कड़वा होता है। और नेक्स्ट आता है विनेगर, जो कि सिरका है आपका, ये कैसा होता है, शोर होता है। तो हमने अभी देखा कि जो अलग अलग एडिबल सब्सटेंस हैं उनका टेस्ट कैसा है, या तो स्वीट है, या साल्टी है, या शोर है, या फिर बिटर है, या तो खट्टा है, मीठा है, कड़वा, या फिर नमकीन होता है, ऐसे ही होते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लाइन, सो सम सब्सटेंस टेस्ट सोर, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सम टेस्ट बिटर, कुछ मीठ कड़वे होते हैं। सम टेस्ट स्वीट, कुछ मीठे होते हैं। एंड सम टेस्ट साल्टी, और कैसे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स के बारे में। अभी हमने देखा कि कुछ खट्टे होते हैं सब्सटेंस एडिबल जो होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। अब चलिए थोड़ा सा एसिड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एसिड हमारे क्या होते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर, कैसा इनका टेस्ट होता है, खट्टा होता है। दीज सब्सटेंस टेस्ट सोर, इन जो सब्सटेंस होते हैं कौन कौन से, कर्ड हो गया, लेमन हो गया, जूस हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, इन सब का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, खट्टा होता है, क्योंकि दे कंटेन एसिड, इनका क्या होता है, इनके पास एसिड होता है, इनके अंदर एसिड होने की वजह से कैसा टेस्ट देते हैं स्टूडेंट्स, खट्टा होते हैं। द सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड, ऐसे सब्सटेंस जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है टेस्ट में, उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। द वर्ड एसिड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, किससे डिराइव हुआ स्टूडेंट्स, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या है वो, एसिडस, जिसका मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, सोर, यानी ये जो एसिड है एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है ना। एसिडस वर्ड है और उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है एसिडस का, सोर होता है, यानी खट्टे होते हैं। एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, एसिड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन ऑर्गेनिक, सेकेंड वन मिनरल एसिड, एक ऑर्गेनिक हो गया और दूसरा क्या हो गया, मिनरल एसिड हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड के बारे में, ऑर्गेनिक को हम लोग नेचुरल एसिड भी कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स
अब हम लोग पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। ऑर्गेनिक एसिड यानी कि नेचुरल एसिड। द एसिड्स दैट आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो कि हमें प्लांट से और एनिमल से मिलता है, यानी कि जो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, इस तरह के पाए जाने वाला जो एसिड होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे? नेचुरल एसिड कहेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड के नाम। जैसे द नेम ऑफ सम ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्सेस आर गिवन बिलो। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके जो सोर्स हैं उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या आता है? साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड। क्या ना क्या चीज़ है ये? यह ऑर्गेनिक एसिड का नाम है। और ये किन चीज़ों से हमें मिलता है? साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस एंड लेमन। ये खट्टे उदार फलों से मिलता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया और लेमन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका लैक्टिक एसिड। ये किससे मिलता है हमें? कर्ड से मिलता है। किससे मिलता है? कर्ड से। नेक्स्ट आता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? आंवला और साइट्रस फ्रूट, यानी खट्टेदार फलों से, और साइट्रस फ्रूट और आंवला से हमें मिलता है। ये क्या हो गया हमारा? कुछ एसिड के नाम है। इसी लिस्ट में स्टूडेंट्स और भी कुछ एसिटिक, जैसे एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। इसका सोर्स क्या है? विनेगर यानी सिरका। नेक्स्ट आता है ऑक्जेलिक एसिड। इसका क्या है सोर्स? स्पिनच हो गया, टोमेटोज हो गया, गुआवास है ना आपके, अमरूद हो गए, नाशपाती हो गया और टमाटर हो गए। नेक्स्ट आता है मैलिक एसिड। इसका स्रोत क्या है? एप्पल्स, यानी ये एप्पल्स से मिलने वाला हमें एसिड है, जो कि नेचुरल एसिड होता है। नेक्स्ट आता है अमीनो एसिड। ये कहाँ से हमें मिलता है? जो प्रोटीन्स होते हैं, ब्रेकडाउन से हमें मिलता है। क्या? उनसा अमीनो एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि कुछ जो नेचुरल एसिड हैं, हमें जो नेचुरली मिलते हैं, उनका सोर्स क्या है, हमने अभी तक ये जाना। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, इसके आगे स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इज मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा। टार्ट्रिक एसिड को क्या किया जाता है? बेकिंग सोडा के साथ मिक्स किया जाता है एंड इज यूज्ड इन मेकिंग केक्स एंड बिस्किट। टार्ट्रिक एसिड का काम बेकिंग सोडा के साथ मिला करके हम लोग किस में यूज लेते हैं? इसका केक और बिस्कुट बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट आता है एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन पिकल्स एंड टोमेटो केचप। और एसिटिक एसिड का काम कहाँ पे होता है? जो पिकल्स होते हैं, अचार बनाते हैं लोग, और टोमेटो केचप आता है ना, उसमें भी यूज होता है एसिटिक एसिड का। चलिए थोड़ा सा एक हमें फैक्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक एनवायरनमेंट। ये हमें जानना चाहिए, कि पता होना चाहिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए विनेगर, जो कि हमारा एसिटिक एसिड होता है, इज़ एडेड टू पैकेज्ड फूड आइटम। किस में यूज़ किया जाता है विनेगर का यूज़? जो पैक्ड फूड आइटम आते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, लाइक सॉसेस, सॉस हो गया, केचप्स हो गया एंड पिकल्स अचार हो गया, टू प्रिजर्व देम, ताकि उन्हें हम लोग सुरक्षित रख सके स्टोर करके और वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो पैक्ड आइटम होते हैं ख़राब क्यों नहीं होते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं कि इसमें क्या होता है? विनेगर, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव नहीं करने देता है ना।